Wow. Can we get the most awaited happy on stage, please? Sonakshi, can we have you on stage, please? Yeah! Give a round of applause for Sonakshi. Can we also get the Punjabi Munda? Yeah, Gabru Jawan. The Gabru Jawan. That's it again. Everybody. This is a happy coincidence. This is happy coincidence. हम जानकर नहीं आए हैं, yellow पहनना है. जी. Color yellow. Color yellow. Yes. One question before I invite everybody else. Happy fir. Why? Why not? What do you mean why? Yeah. Because the script was amazing. The script was amazing. I really wanted to work with Anand sir and Mudassar and this wonderful team that they've put together. And I had no reason to say no. Mushkil tha wapas lana ise? मैं क्या बोलूं अभी मेरे मैं मैंने तो सोचा नहीं था कभी कि मैं मिलूंगा सोनाक्षी सिन्हा को तो मेरे लिए जब मुझे पहले बताया गया कि मेरे साथ सोनाक्षी सिन्हा है तो ना निकलना मुमकिन ही नहीं था मुझसे तो पहली चीज ये थी और दूसरी मुदस्सर सर ने जब मुझे बताया कि ये हम सोच रहे हैं ये करेक्टर है तो हैप्पी मुझे लगा नहीं कोई रीज़न कि मैं ना करूं और मेरी पहली फिल्म थी और पहली में इतनी अच्छी प्रोडक्शन हाउस इतनी अच्छी टीम सारी और सोनाक्षी सिन्हा जिमी पाजी पीयूष मिश्रा जी सारे इतने अच्छे They keep talking about you. Why is that that you're so praised for? He's just a very nice guy. That's why we like to talk about him. I see. Honor? No, I don't know. Were they talking about me? That's good. That's a good sign, no? So what all did you do in the movie before I call the last guy that I'm very fond of? What all did you do in this movie? You wrote the movie? Yeah, it's you directed? Yeah. It's my film, yeah. No, songs? Yes. Dialogues? Lyrics? Yes. Lyrics? Yes. Yeah. कितने पैसे बचाए हमने इस वाले में he was his own AD also on set. हाँ इसका AD है ना काट ले तो अपनी बिल्कुल छोरा can we get also the cutest guy I ever met and the most saintest people of the all अपार शक्ति खुराना First of all, इनको हक करके बहुत मजा आता है। पाजी कैसे? काफी सारी चीजें हक करता है आदमी। मैं जब आपने बोला ना कि ये भी थे सॉन्ग्स भी लिरिक्स भी और उसे एडी भी ऐसे बोला तो मेरे पीछे एक जोक आ रहा था ऐसे। मगर एडी चोटी का जोर लगाया उन्होंने हर तरह से। जो सारा जिम्मा है वो इस फिल्म में बुरे जोक्स का भी पर्सनल लाइफ है वो हैप्पीनेस वाला Why Mudassar? अरे he's so cute. मुझे पता था ये ऐसी कोई रैंडम फ्रेज निकलेगा. Okay, so first time. एक बात बताइए आप लोगों ने पहले भी किया है या पहली बार कर रहे हैं? ये पहली बार. ऐसे लेके पहली बार. फ्री में काफी बार. दोनों दिल्ली वाले से क्या करें? Okay, so जब मैंने पहली हैप्पी देखी, फ्राइडे को ही देखी और फर्स्ट फ्राइडे को ही मैंने मैसेज किया सर को कि आई रियली लाइक द फिल्म. मैंने जिमी पाजी से नंबर लिया एंड आई वाज लाइक व्हेनेवर यू डूइंग योर नेक्स्ट प्लीज लेट मी नो And मुझे पता नहीं था कि वो please genuinely please हो जाएगा. Thank you so much, sir. I had a great time. And since then you have changed the phone number, right? नज़र से नहीं ऐसा कुछ ऐसा है कुछ नहीं. अभी नहीं मिल रहा भाई. क्या हो रहा है? Can we also have the? I know. I was like, I like call everybody. Can everybody come up? Please now. The guys give it up for everybody. Give it up for Ali Fazal. It's actually a joint team. The joint team of Happy Bhav Jayegi 1 and 2 because there are no lines. And Piyush Bhaji, where's Piyush Bhaji? Why is he not there? Piyush Bhai, I love how he just. Do we have enough mics? And actually, honestly, just I'll take a second. Mere
बड़े भाई हैं, उनका यहाँ पे होना बहुत जरूरी था एक्चुअली, जिमी सर का. बहुत ही अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस में वो नहीं आ पाए. यू कैन सी हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड वॉट ही मीन्स टू दिस फिल्म, वॉट ही मीन्स टू ऑल ऑफ अस एक्चुअली हियर. सो या ऑन बिहाफ ऑफ हिम ऑल्सो, थैंक यू एवरीबडी फॉर टर्निंग अप. थैंक यू गाइस. क्वेश्चंस? क्वेश्चंस? हाँ सिमरन, तू ही पूछ रहा खाली. आनंद सर, आपसे सवाल है. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू द टीम, बहुत ही बढ़िया ट्रेलर रहा है. दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम बुक माय शो. मेरा सवाल आपसे आनंद सर कि जिमी सर के साथ इस फिल्म में इंसाफ होगा कि नहीं? मतलब तनु वर्स मनु से हम देखते आए हैं, कभी लड़की मिली नहीं, एंड टाइम पे हमेशा छोड़ के गई, हैप्पी भाग जाएगी वैसे. तो इस बार कुछ उम्मीद है इंसाफ मिलने की? यार जब उनको नहीं मिल रही है ना, वो ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है करने दो ना. कई बार ये भी चीज अगेंस्ट जाती है, एक क्यूट आदमी ऐसा रह जाए थोड़े टाइम तक, अच्छा लगता है. थैंक यू सर, मुझे लगा नहीं आप मेरे बारे में ऐसा कुछ बोलोगे. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. एनीबॉडी? या कैन गेट द माइक देयर. या सर, माय क्वेश्चन वाज, व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर ऑन द सेट? जब यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर, तो वहाँ का शूटिंग टाइम कैसे रहा? सवाल है किसके लिए सर? सबके लिए. काफी लंबा आंसर होगा ये. मुदस्सर आप दे दीजिए सर. आपने देखा ही होगा, वी एक्चुअली आर, वी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग वन अनदर ऑल ऑफ अस. तो सेट पे भी ऐसा ही कुछ माहौल होता था. हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हम कोई बहुत सीरियस काम कर रहे हैं सब इकट्ठा होकर के. एक हंसी मजाक वाली फिल्म है, उसको उसी स्पिरिट में, और हम दोस्त बहुत अच्छे हैं एक्चुअली सारे. तो उस वजह से वो एक सर्टेन एनर्जी आपको नजर आई होगी. वी रियली लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग एंड सीइंग वन अनदर. सो दैट वाज द एटमॉस्फेयर प्रीटी मच ऑन द सेट. आई होप आई एम नॉट स्पीकिंग टू सून. वाज दैट द एटमॉस्फेयर ऑन द सेट? एब्सोल्युटली. आई थिंक ट्रेलर से आपको अंदाजा मिल ही गया होगा कि कितना मजा आया हमें ये फिल्म बनाते हुए. एंड ऑनेस्टली एवरीबॉडी जस्ट गॉट अलोंग सो वेल विद ईच अदर. इट वाज, वी हैड सम tough locations to shoot at, tough weather to face, during the shoot. But together as a team, we just stood strong with each other and we had a wonderful time. Agar pehli film ki director the hai mera sawal. Ji, idhar. Ji. Agar pehli film ko dekha jaye, to wo film shuruaat mein to achhi thi hi, lekin mouth publicity se kaafi aage gayi kyunki uski kahani bahut achhi thi. Aur bahut choti choti pyari pyari चीजों को उसमें डाला गया था. तो इस फिल्म में वो मासूमियत और वो कहानी के लेवल पे देखिए, किसी भी राइटर की और डायरेक्टर की कोशिश ये होती है, खास तौर से उस पे जब ये वाली जिम्मेदारी आती है कि अपनी ही फिल्म का वो दूसरा भाग बनाए, तो ये जिम्मेदारी आती है उस पे कि जो इनोसेंस, जो ऑनेस्टी ऑडियंस तक किसी लेवल पे पहुंची थी, वो उसको बरकरार रखे. जब मैं राय साहब के पास इस फिल्म की कहानी को लेकर के गया था, तो हमने सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचा था कि कोई एक चीज़ है जो जो ऑडियंस को उस फिल्म से जोड़े रखती है और जोड़े रखती आई है, और वो चीज़ हमको इस फिल्म में नहीं खोना है. तो हमारा अटेम्प्ट कभी ये नहीं था कि ओ हम सीक्वल बना रहे हैं, आओ कुछ बड़ा बनाते हैं, आओ इसको कुछ, you know, let's make this more expensive, bigger, let's convert it into a franchise. वो नहीं था actually. हमको ये लगा, अरे ये बात छू गई है किसी को, तो ये बात क्यों ना और confidence के साथ क्यों ना दोबाला करके audience तक पहुंचाई जाए. तो यही एक effort. मैं उसमें add करना चाहता हूँ, अक्सर ना मुझे सर 10/10 होते हैं और उस पर 10/6 करके उसको देते हैं बात को. जो आप जिस इनोसेंस की चीज़ों की बात कर रहे हो, ही हिमसेल्फ इज अ वेरी ऑर्गेनिक एंड अ वेरी नेचुरल एंड काफ़ी यू नो इमोशनल बंदे हो खुद. वो उनकी राइटिंग में, डायलॉग्स में, गानों में हमेशा आपको नजर आएगा. सो सोनाक्षी, एक सवाल आपसे. ओके. सर आपसे ये सवाल था कि ये वाली हैप्पी फिर भाग जाएगी, पहले वाली हैप्पी से कितनी अलग, और अलग तो है ही, लेकिन कितनी बेहतर है या उससे भी बेहतर है, कैसी? नहीं देखिए, मेरी नज़र में तो ऐसा है कि दो हैप्पियों के बीच में चुनना, कभी कभी इस मर्द को इस दुविधा में मत डालिएगा कि उसमें उससे ये पूछा जाए कि दो लड़कियों में से उसको एक चुनना. नेवर पुट अ मैन इन दैट स्पॉट. बट यू नो आई हैव रिटन बोथ, टू मी बोथ दी स्टोरीज आर माई बेबीज. आई कैन नॉट पिक between the two of them. But ek baat main aapko zarur kehna chahunga ki ek
किसी मॉडल का ध्यान ना रखते हुए, किसी एक खाके का, एक ढांचे का ध्यान ना रखते हुए, आप ये बात पकड़ लेंगे इमीडिएटली कि ये हैप्पी और ये हैप्पी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं. यू नो दे आर वेरी डिफरेंट गर्ल्स, दे रिप्रेजेंट द सेम इमोशन विच इज़ हैप्पीनेस. आई यू नो व्हेन आई पिक द टाइटल ऑफ दिस फिल्म आई ऑलवेज एंड आई एट डिफरेंट टाइम्स सेड इट टू मेंबर्स ऑफ माई कास्ट, आई ऑलवेज बिलीव हैप्पीनेस इज वन इमोशन इन योर लाइफ, इफ यू डोंट चेरिश इट, डोंट लुक आफ्टर इट, डोंट प्रोटेक्ट इट, वो भाग जाएगा. You know, that for me has always been what the title stands for. So they are, for me, both these girls are two remarkable representations of happiness. Shrinakshi और डायना, आप दोनों से ये सवाल है, जैसे कि आप इस फिल्म में दोनों ही हैप्पी हैं, असल जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको हमेशा हैप्पी रखती हैं? मेरा काम मुझे बहुत हैप्पी रखता है. आई थिंक आई लिव फॉर माय वर्क एंड व्हाट आई डू, इट ब्रिंग्स मी इमेंस जॉय, बहुत मज़ा आता है, एंड इसलिए आई डोंट ट्रीट इट लाइक वर्क, आई ट्रीट इट लाइक समथिंग दैट आई एम जस्ट सो पैशनेट अबाउट, एंड दैट ब्रिंग्स मी अ लॉट ऑफ जॉय. काम के अलावा, अगर काम के अलावा मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, खाना, यू नो बेसिक थिंग्स, द स्मॉल जॉयज इन लाइफ. आनंद सर, आपसे सवाल है आपके स्ट्रेट. डायना, आपके आई थिंक यू ऑल ऑलरेडी नो दैट गुड फूड मेक्स मी सो हैप्पी, एंड आई थिंक आनंद ऑल्सो नोज दिस बिकॉज आई डोंट नो व्हाई इट डजंट शो. आई लव वर्किंग विद कलर येलो बिकॉज देर आर फाइव, बिकॉज सम गर्ल्स हैव ऑल द लक. Two lunches, two dinners, then one in between tea time snack, everything. Wow, this is a special. Bas karo yaar, bas. This is embarrassing now. Sab ladkiyan jealous ho rahi hai yahan par. Mera khoon jal raha hai yahan par, meri aatma jal rahi hai andar se. Anand sir, aapse sawal hai, aapke straight mein sir, aapke right mein straight mein. Ji, aapse sawal hai ki China ko hi kyon Chin ko chuna hai, kyunki पिछली बार पाकिस्तान था और इस बार चीन है, और जो रिलेशनशिप रहे हैं इंडिया पाकिस्तान, सॉरी चीन के, हैप्पी भी रहे हैं, मिले जुले हमेशा टाइम टू टाइम होते रहे, तो कोई खास कारण है? और कहीं ना कहीं से व्यंग्यात्मक तरीके से क्या हम वो भी देखेंगे इसमें फिल्म में? कहीं बारे में बेहतर मुदस्सर बताएगा, बट उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे हम लोग फिल्में बनाते हैं, हमारा कुछ, हम इसके बियॉन्ड कुछ नहीं कर सकते, पर ये हमारे पास एक मीडियम है जिसके ज़रिए हम कुछ दो चार बातें बोल देते हैं, उसका कितना असर होता है वो नहीं पता. मेन हमारा मकसद होता है आप लोगों का एंटरटेनमेंट, ऑडियंस का एंटरटेनमेंट. बट अगर हैप्पीनेस इन जगहों पे जुड़ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है. अगर हमसे इतना भी हो जाए कि कहीं ना कहीं इसको हम उस चीज़ से कनेक्ट कर दें, एक हैप्पीनेस से कनेक्ट कर दें, चाहे आप पाकिस्तान की बात करें या चाइना की बात करें, सॉल्व हम में से कोई नहीं कर पाएगा, बट हम अपने मीडियम की तरफ से एक 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 खुशी, एक एक एंटरटेनमेंट, एक एक कॉर्डियल चीज़ आप बोल लीजिए, अगर हम दे पाएँ उससे बेहतर कुछ नहीं. कृषिका जी, मेरा सवाल आप, एक्चुअली एक मैं ना आपके ना आपके सवाल में आपका जवाब था बहुत खूबसूरत. दरअसल क्या है, हास्य व्यंग जो होता है, यू नो ह्यूमर थ्रू सार्केज्म और थ्रू सैटायर, we should all develop an appetite for it. And क्योंकि रिश्ते नरम गरम रहते हैं इन मुल्कों के साथ, मुझे लगता है कि इसलिए और उस पर हंसने की ज़रूरत है, ताकि यही एक तरीका है रिश्ते सुधारने का. मैंने वन के वक्त पे ना एक बड़ी किसी ने प्रेस के ही साथी ने मुझसे एक सवाल पूछा था, मैंने उनको बोला था कि उन्होंने कहा था पड़ोसी को क्यों पिक किया आपने, मैंने कहा ऐसा है कि आप अगर एक घर में रहते हैं, अगर पड़ोसी बालकनी में कच्छे भी सुखाता है तो पड़ोसी पड़ोसी होता है, यू नो. तो वो जो एक एक फ्रेनमीज वाले जोन में ख़ास तौर से ये दो मुल्क हैं, ऑल द मोर रीज़न दैट वी शुड हैव फिल्म्स दैट स्पीक अबाउट देयर कल्चर वर्सेस आवर कल्चर, अ सर्टेन बॉर्डर टेंशन दैट कीप्स प्रॉपिंग अप विद बोथ दीज कंट्रीज. सो यार एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, सॉरी आई इंटरप्टेड समबडी. यस शूट. कृषिका जी, मेरा सवाल आपसे है, इंडस्ट्री में जिस तरह का चलन है उसके विरुद्ध जाकर आप वुमेन ओरिएंटेड फिल्मों को इतना प्रमोट क्यों करती हैं, और इतने सालों से क्या आप कॉन्फिडेंट रहती हैं कि वो अच्छा कर पाएंगी, चाहे वो नीलबट्टा सन्नाटा हो या बड़ी वुमेन ओरिएंटेड फिल्म हो कंगना वाली? ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने सिर्फ वुमेन ओरिएंटेड फिल्म प्रोड्यूस किया है, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था अनजान अनजानी और देसी बॉयज से,
तो इट इज़ ऑल मेल्स ओनली इन दैट. सो ऐसे कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट विच आई रियली एन्जॉय. एंड यस, वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट एक्चुअली वुमेन कैन कनेक्ट इवन मोर, सो आई एन्जॉय दोज मोमेंट्स टू. थैंक यू. हाय आनंद, दिस इज प्रियंका टुवर्ड्स योर लेफ्ट. हाय, दिस इज प्रियंका फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. आनंद, वी सॉ द सॉन्ग फ्रॉम जीरो एंड एवरीवन्स टॉकिंग अबाउट दैट, बट एज अ डायरेक्टर हाउ वाज इट फॉर यू टू शूट यू नो टू सुपरस्टार्स एंड हाउ वाज इट टू बी ऑन द सेट्स विद देम? आई वाज वेरी हैप्पी देयर. आई वाज रियली हैप्पी. बट डज इट गेट डिफिकल्ट टू शूट टू सुपरस्टार्स एंड यू नो टू हैव देम इन वन फ्रेम? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा. मतलब आई बीन वेरी फॉर्चुनेट इन दैट वे. ये एज अ डायरेक्टर नहीं जवाब दे रहा हूँ, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग बोल रहा हूँ. इफ़ यू मीट समबडी और आपको उनके बीच में या आप उनसे बात करते हो, अगर वो इंसान आपको समझ में आ जाता है, फिर वो स्टार नहीं रहता. वो एक ऐसा रिश्ता बोल दूंगा या एक ऐसा माहौल बोल दूंगा कि वो दोनों इतने बड़े हैं कि उन्होंने मुझे कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो सुपरस्टार हैं. तो ये उनकी उनका बड़प्पन है. हाय जेसी, गायत्री हियर फ्रॉम मिडडे ऑनलाइन. सो सिंस दिस योर डेब्यू फिल्म, सो हाउ वाज इट शूटिंग विद एवरीवन? एंड आई आल्सो हर्ड दैट यू वुड सिंग सॉन्ग्स टू इंप्रेस सोनाक्षी ऑन द सेट्स, सो प्लीज टेल अस अबाउट दैट. हां, बहुत अच्छा था क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी, तो मैं थोड़ा डरा हुआ था पहले के, क्योंकि मैंने इतने बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम करना था. पर जब मैं सेट पे गया तो मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे सारे दिन निकल गए, स्पेशली क्योंकि सोना ऑलरेडी पंजाबी गाने सुनते हैं पहले से. सो उस टाइम मेरा एक गाना आया था, तो मैंने सोनाक्षी को सुनाया, तो उन्होंने इनको अच्छा लगा, तो उन्होंने प्रमोट भी किया बड़े अच्छे से. सो उस टाइम मुझे पता चला कि यार ये तो पंजाबी लड़की है पूरी, क्योंकि इनकी प्लेलिस्ट में मैंने बाद में गाने देखे, सारे ऑलमोस्ट पंजाबी गाने ही थे. सो बड़ा मजा आया. सो बहुत अपनापन फील हुआ वहाँ पे. मतलब मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं पंजाब से आया हूँ यहाँ पे और ये लोग सब पहली बार मेरे साथ काम करेंगे. स्पेशली मुदस्सर सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में, सब लोगों ने. मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी पहली फिल्म है. मोमेंट रिक्रिएट कर सकते हैं क्या दोनों के साथ में यहाँ? Why not? You should. Now you're aren't you nervous? जस्सी गिल स्टेज पे और गाना ना गाए, ये नहीं होना चाहिए. ये तो गलत बात है. जरूर नी मुंडा जट्टा दा नी ओ बलिए तेरे करके गिटार सिखदा एनरिके दा हीरो सुन सुन के तेनू करना प्यार सिखदा मुंडा जट्टा दा नी ओ बलिए तेरे करके गिटार सिखदा एनरिके दा हीरो सुन सुन के तेनू करना प्यार सिखदा ओ जे मेरी खाली पैसा एक भी नहीं तेरे डैड वांगू डैड मेरा रिच भी नहीं जे मेरी खाली पैसा एक भी नहीं तेरे डैड वांगू डैड मेरा रिच भी नहीं तेनू सच दसा लेके पैसे नी मैं यारा तो उधार सिखदा मुंडा जट्टा दा नी ओ बलिए तेरे करके गिटार सिखदा मुंडा जट्टा दा नी ओ बलिए तेरे करके गिटार सिखदा. Thank you so much. सोनाक्षी और डायना, आपसे एक सवाल है, दोनों हैप्पी से एक सवाल है. सिंस द मूवी इज बेस्ड ऑन एन एस्केप जहाँ पे मतलब हैप्पी भाग रही है, अपनी लाइफ में रियल लाइफ में कोई ऐसा कोई एस्केप रहा है जो हिलेरियस रहा हो और जो यादगार रहा हो? Hey, Sonakshi has too many of those now. She's picking one. कौन सा वाला बोलूं? ये समझ नहीं आ रहा, बट हुए हैं ट्यूशन टीचर से एस्केप, कभी कभी स्कूल से एस्केप, कॉलेज से, कभी कभी घर से एस्केप, कभी कभी अपराजी से एस्केप, बहुत हुए हैं. I have not really escaped so many things because I just don't have the knack for escaping, except in happy, I think. But yeah, like in college, a little bit here and there, I used to bunk class because it was very boring. It was 8 in the morning, so I used to rather sleep. Ali and Jassi, hi, aapke theek samne, yahan. Hi, do happy hain stage pe, agar main aapse poochna chahun. Wo aap happy nahi ho? Main bhi happy hoon. Haan? Nahi, main toh hoon hi. Aap bhi ho na happy? Haan ji, bilkul. Life mein happy ho na? Bilkul, bilkul. Haan, toh bas. Main film ki baat kar raha hoon. Agar
ये दो हैप्पी के साथ, अगर किसी एक हैप्पी के साथ में भागना हो तो किसके साथ भागना पसंद करेंगे आप? अपनी अपनी के साथ भागेंगे एक दूसरे की लेके क्यों भागेंगे? आपने तो 3 का प्लॉट दे दिया मुझे। लवली दूसरे की लेके भगा दूं 3 में? बहुत ही कलेशी आदमी यार तू। हाँ, आज आप हैप्पी को ढूंढने भी गए थे तो आप हमें बताइए कि कहाँ कहाँ सर्च किया और कहीं मिली कि नहीं मिली आपको? भाई हर जगह हो गया, वो बस हर जगह गई है बॉम्बे में। मेरी तरफ मत देख नहीं तू स्टीयर कर रहा था। नहीं, मैं पूरा बॉम्बे आज सैर कर ली है। हैप्पी साथ ही में थी मेरे, तो मेरी मुझे ज़्यादा दुख नहीं हो रहा था। इन लोग का थोड़ा इशू था, वो अभी सॉल्व हो गया है, मतलब हो जाएगा सून। 3 मिनट का भी ट्रेलर है। मतलब ये है कि हैप्पी अभी इधर भागी है, पार्ट 1 में भागी थी, पकड़ में आ गई, शादी हो गई, सब हो गया। इधर क्या होगा पता नहीं है, अभी चाइना तक गए, वीजा लगा है बॉस, उधर भी लगा था वैसे। हाँ, तो ये ऐसा है कुछ। मुदस्सर जी बोल भाई, गा दे, तू गाना गा दे। मैंने गा दिया। जस्सी सिंग अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स विद जिमी पाजी, बिकॉज़ ही इज अ बिग फैन ऑफ जिमी पाजी। जिमी पाजी की मूवी के सारे गाने जस्सी को याद है, और जैसे उनके लिए बहुत सारे गाने गाता था याद है, हम गाड़ियों बैठे जब बैठे थे। यार ऐसे मत करो, अभी जिमी बाजी खुद पंजाबी हैं, वो exactly. खुद पंजाबी गाने गाते हैं, खुद भी सुनते हैं। बट यू आर अ बिग जिमी बाजी। जब मैं कॉलेज में था उस टाइम का एक फिल्म आई थी यारा ना बहारा, जो पंजाबी मतलब उस टाइम सबसे बड़ी फिल्म थी वो। हाँ। तो हमने बड़ी देखी। उनके पास करिश्मा बाइक था, जो वैसे हर... सर कोई बात अच्छी नहीं लगेगी अगर आप बोलो। हाँ, मैं आप कॉलेज नहीं चक्कर, मैंने कॉलेज इसलिए बोला। जस्सी भाई को पता है कि जी भाई यहाँ है नहीं, तो ये सुनाया तो यहाँ हो तो सुना नहीं पाते वो। ये जिमी सर के सामने नहीं बोल पाते। नहीं, पर लोगों को सबको पता है वो देखने में अभी भी कितने यंग है, मतलब कोई उसमें राउंड नहीं है। पकड़ा पकड़ा। तो वो बाइक थी उनके पास, तो जब मैं, तो मेरा ये ड्रीम था कि मेरे पास भी ऐसी बाइक हो, तो तब से देखते आ रहे हैं। जब उनके साथ होते थे तो उनके पुराने वो टाइम की वो फिल्म की बातें, गाने सब ऐसे ही गाते रहते थे, तो चलता रहता वैसे तो। मुदस्सर जी सेंटर में जी, जब आप 1 बना रहे थे तब कुछ माइंड में था कि 2 लाएंगे, क्योंकि तभी 3 की बात बार बार हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि 3 कहीं ना कहीं आपके माइंड में है कि 2 हिट हो जाएगी तभी 3 भी लेकर आएंगे। बाल सफेद हो जाएंगे सारे। नहीं, टू आंसर योर क्वेश्चन, जब मैं 1 लिख रहा था या बना रहा था, तो जैसा मैंने अभी किसी से कहा, हम एक बहुत छोटा प्रयास कर रहे थे। जब हमने 1 लिखी थी, हमको अंदाज़ा नहीं था कि इतनी मोहब्बत, इतना प्यार ऑडियंस से हमको मिलेगा। उस चीज़ ने हमको उसने हमको ऑलमोस्ट कंपेल किया कि हम उस ऑडियंस से दोबारा रابطہ कायम करें। तो 1 लिखते वक्त या बनाते वक्त मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कि मैं 2 करूँगा। इस वक्त ये बताना ज़रा सा मुश्किल है कि है या नहीं है या क्या है दिमाग में, मगर लेट्स लीव इट टू दैट, लेट्स आई मीन दिस इज द मोमेंट फॉर 2, सो यू नो। ये ऐसा इधर थोड़ा चलन भी देखा जा रहा है कि फिल्म हिट हो जाती है 1, तो उसका पार्ट 2 आ जाता है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर क्या हैप्पी को उतना प्यार नहीं मिलता 1 को, तो 2 आती? मेरा ख्याल है ये बहुत ना एक्चुअली फिल्म मेकर्स का एक बड़ा पर्सनल सा स्पेस होता है ये। जैसे राय साहब एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, वो हम कई बार ना एज फिल्म मेकर्स एक कहानी को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, और बना लेने के बाद भी हमको ऐसा लगता है कि इसका कुछ हमारे अंदर रह गया है, तो वो दोबारा कहने का मन करता है। इट्स अ वेरी पर्सनल स्पेस। नाउ आई एम द लास्ट पर्सन टू बी एबल टू कमेंट ऑन व्हाई अदर पीपल मेक सीक्वल्स, बट फॉर मी दैट रीज़न इज़ वेरी क्लियर। एक कहानी जब आपसे दोबारा आपसे बात करती है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये आपको दोबारा बोलना चाहिए, दैट शुड बी द ओनली 1 एंड द प्राइमरी रीजन टू मेक अ सीक्वल। हाय सोनाक्षी, सोनाक्षी इधर। हेलो। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इस फिल्म में कौन से ऐसे सीन में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ा आया? और आनंद जी से आपसे प्रश्न है कि इस बार आप चाइना ही क्यों गए? पहले आता जी, मुझे ये पूरा फिल्म करते वक्त बहुत बहुत मज़ा आया, क्योंकि हर सीन इतनी खूबसूरती से लिखा गया है। कहीं ना कहीं उसमें ह्यूमर है, अगर ना चाहते हुए भी इस तरह का ह्यूमर है, जहाँ पर आप मतलब अगर वो सिचुएशन भी ना हो तो कहीं ना कहीं आप उसमें ह्यूमर ढूंढ सकते हैं, विच इज़ द ब्यूटिफुल राइटिंग ऑफ मुदस्सर अज़ीज़। तो पूरा फिल्म ही बहुत ही मज़ेदार था। जैसी आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू।
हाँ, इसका जवाब मेरे ख्याल से आ चुका था पहले, पर हाँ मैं दोबारा दे देता हूँ कि वन में वो पाकिस्तान थी, टू में ये चाइना है. हमारी कोशिश सिर्फ यही रह रही है इसमें कि जहाँ पे भी हमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है उधर हैप्पीनेस फैला दें. पीयूष जी, आपके सामने आप कुछ आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए, क्योंकि हम देखते हैं आप फिल्मों में बहुत इंजॉय करते हैं लेकिन ऐसे रियल लाइफ में बहुत शांत रहते हैं. नहीं, खूब एंजॉय करता हूं, ऐसी बात नहीं. हाँ, नहीं नहीं, मैं सब लोग बात कर रहे थे. कैसी इमेज, कैसी इमेज बनाई है, देखो रियल लाइफ में शांत. शांत इसलिए उनके पार्टनर इन क्राइम यहां पे नहीं. गलतफहमी कहां से आई आपको, ये कहां रियल लाइफ में शांत रहते हैं, कुछ कहां क्या बतलाऊं किस तरह का किरदार होने वाला. अरे था, देखा नहीं आपने पिछले पिछले हैप्पी हैप्पी भाग जाएगी मैं. हैप्पी वन में वो जो था कैरेक्टर वही है, वो थोड़ा रबड़ कर दिया गया, उसको और खींच दिया गया. तो जो उस्मान अफरीदी था वही है. अब इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन है कि ही इज उस्मान अफरीदी आफ्टर द रिटायरमेंट. तो उसके बाद में है उसका, वो आगे चलता है, आगे चल के उस फिर हैप्पी से मिलता है. उसके बाद आप देखिएगा पिक्चर में क्या होता है. उस्मान इज जमान. जैसी एंड कृषिका जी आपके सामने कुछ आप बताइए कि क्योंकि फर्स्ट पार्ट बहुत ही अच्छा था, आप प्रोड्यूसर हैं तो सेकंड पार्ट से भी उतने कलेक्शन की उम्मीद करती हैं, उतनी अच्छी उम्मीद करती हैं? ऑफ कोर्स, एज अ प्रोड्यूसर वही उम्मीद करती हूँ कि बॉक्स ऑफिस का रिजल्ट वैसा ही हो जैसे फर्स्ट का है. बिकॉज इस बार हम डबल धमाल लेके आए हैं, दोनों ब्यूटिफुल हैप्पी सोनाक्षी एंड डायना देयर इन द फिल्म. सो आई एम श्योर ट्रेलर देख के सबको अब मज़ा आया है, आई कुड सी द रिएक्शन. तो वही हम देखना चाहेंगे कि बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन कैसे हो रहा है. एंड जस्ट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू फाइनली, हाउ इज इट डिफरेंट वर्किंग ऑन अ पंजाबी फिल्म एंड अ हिंदी फिल्म, सेट्स पे कितना डिफरेंस होता है? डिफरेंस तो है बिकॉज पंजाबी इंडस्ट्री अभी थोड़ी नई है और वहाँ पे जिसे बोलते हैं बजट बहुत लिमिटेड होता है और यहाँ का सब कुछ मैनेज होता है, सब कुछ मतलब मुझे यहाँ भी लिमिटेड ही होता है पर पंजाब के इससे भी लिमिटेड होता है. बोलने देना, बोलने देना. तो वहाँ पे अच्छा लग रहा है. अच्छा, कोई तारीफ कर रहा है, बोलने दे यार. सो अभी मेरी पहली फिल्म है जो अभी तक मैंने फील किया ये यही किया है क्योंकि वो पंजाबी इंडस्ट्री थोड़ी नई है अभी, पर वहाँ पे भी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वहाँ पे भी और ज़्यादा ऐसे प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा क्योंकि थोड़ा बहुत अभी कम है वहाँ पे. मैंने अभी 4-5 फिल्में की हैं पंजाबी इससे पहले, तो मुझे यही डिफरेंस पता चला अभी तक. पर अभी धीरे धीरे आगे करूँगा नेक्स्ट फिल्म में, तो जो मुझे फील होगा मैं आपको बताता जाऊंगा. ऑल्सो भी हम लोगों ने आपको एकदम मस्त वाली चाइनीज मैंडेरियन बात करते हुए सुना है, थोड़ा सा कुछ डायलॉग याद है तो? निहाओ वो जनिंग जुशी खुशवान सिंगे. ओके, आई नो समथिंग इन मैंडेरियन व्हिच आई वांट टू से फॉर यू. वो आई नी, डू यू नो व्हाट इट मींस? वो आई वो नहीं आई. I love you. It means I love you. मेरी थैंक यू, लव यू. आई थॉट शी डोंट वांट जिंपा जी. वो आई नी. Okay, last question. तू कहानी पूछे तूने पूरी. हाँ जी, क्या करें? है ना? 35वां question last कैसे हो सकता है? Wait. डायना जी, दो happy हैं इस film में, तो कितनी bonding होगी, कितना happiness होगा, कितना war होगा, कुछ बताइए जरा कुछ अंदर. Double happiness. आपको तो क्या war ही चाहिए ना? हाँ, बस war ही चाहिए. One more thing to war. Apart from you two, he's another one who is supporting Gala Yellow. हाँ, of course. That's why I asked him. No, आप भी happy हैं? नहीं, बहुत बहुत मजा आया हम दोनों को. In fact, I was looking forward to working with Diana also. क्योंकि मैंने जब पहली फिल्म देखी मुझे बहुत पसंद आई. All of them, Jimmy sir, Piyush ji, Mudas sir, Diana, Ali. मतलब फिल्म देखते ही मतलब दिल जो खुश हो जाता है ना, वैसी वाली फिल्म थी. एंड आई वाज श्योर कि ये फिल्म भी ऐसे ही बनेगी. एंड ट्रूली वी जस्ट हैड अ वंडरफुल टाइम शूटिंग. आई कुडंट बी हैप्पियर दैट सोनाक्षी वाज द वन टू प्ले हैप्पी इन दिस फिल्म बिकॉज़ शी इज जस्ट रियली नाइस एंड चिल्ड आउट एंड जस्ट स्वीट एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस. सो इट फिट परफेक्टली. हां जी, इसके लिए फिल्म देखने तुम जरूर जाओगे, अब मैं नहीं बता रहा. बड़ा अच्छा सवाल है वैसे आपका, लेकिन है फिल्म में जवाब. इसका जवाब मत दे देना. कभी तो भी मिलने के बाहर जाना, कभी तो है. ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच. थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. फोटो
खुशियाँ हुई